नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हमारे पाठ का विषय है ऋतुराज जी द्वारा लिखित कविता कन्यादान। बेटी का जन्म और उसका विवाह, ये दोनों ही पल माता पिता के जीवन के सबसे खास पल होते हैं, पर बेटी का कन्यादान और उसकी विदाई ऐसे पल होते हैं जिसका इंतजार माता पिता बेटी के जन्म के साथ ही करने लगते हैं। पर जब वो अपनी गुड़िया को दुल्हन के जोड़े में विदा करने लगते हैं, तब उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वे अपनी सर्वोत्तम पूंजी का दान कर रहे हैं और आज से उनकी लाडली गुड़िया बेटी पराई हो रही है। बहुत सारी दुआएं देते हुए भी माता पिता का मन बेटी के भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। स्त्रियों के लिए समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं और स्त्रियों से ये उम्मीद की जाती है कि वे इन नियमों का अक्षरशः पालन करें, तभी हमारा तथाकथित समाज उन्हें आदर्श नारी मानता है। ऐसे हास्यास्पद नियमों को चुनौती देते हुए प्रस्तुत कविता में वर्णित माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख देती हैं। स्त्री जीवन अत्यंत संवेदनशील होता है। कन्यादान कविता स्त्री जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति करने वाली एक जीवंत कविता है और आज के बदलते समय में और भी अधिक प्रासंगिक है। आइए अब हम कवि के जीवन और उनके कृतित्व के बारे में जानते हैं। समाज ने जिन्हें उपेक्षित, पीड़ित और वंचित कह हाशिए पर ला खड़ा किया, ऐसे असहाय लोगों को अपनी कविताओं द्वारा मुख्य धारा में स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य ऋतुराज करते हैं। वे यथार्थवादी कवि होने के साथ साथ नारी संवेदनाओं के चिंतक और प्रहरी भी हैं। इनका जन्म 1940 में भारतपुर, राजस्थान में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से प्राप्त की। अब तक उनके 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। ऋतुराज की कविताओं की भाषा सरल, सहज और सामान्य दैनिक जीवन में प्रयुक्त बोलचाल के शब्दों से युक्त है। कहते हैं, स्त्री बेटी हो या बहू, वह परिवार का सम्मान साथ लेकर चलती है। इसीलिए समय समय पर उसे बहुत सारी हिदायतें दी जाती हैं। नारी सशक्तिकरण को बल प्रदान करती ऋतुराज की प्रस्तुत कविता कन्यादान नारी को उपभोग की वस्तु मानने की विरोधी है। ऋतुराज नारी को परिवार के सम्मान का रक्षक मात्र ही नहीं मानते, उनका मानना है कि नारी का सम्मान परिवार का अभिमान होता है। आइए अब हम कविता का आदर्श वाचन सुनते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रस्तुत पंक्तियों में विदाई के समय का दृश्य अंकित करते हुए कवि ने माँ के अंतः मन की चिंता और मार्मिक पीड़ा की सफल अभिव्यक्ति की है। कहते हैं, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, पर क्या ये एक सामाजिक सत्य है? सामाजिक सत्यों से परिचित माँ का बेटी की विदाई के समय व्यक्त दुख अत्यधिक प्रामाणिक अर्थात वास्तविक है। माता पिता के लिए बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उनकी सबसे कीमती धरोहर होते हैं, और उसमें भी अगर लड़की की बात की जाए तो कहते हैं, बेटियां माँ की परछाई होती हैं। माँ अपने जीवन के संचित अनुभवों से उसे सींचती है। यही कारण है कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव करती है कि उसकी बेटी का दान उसके जीवन की अंतिम पूंजी अर्थात सर्वोत्तम उपलब्धि का दान है, और इसके बाद अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचने वाला है। क्योंकि बचपन से ही लड़कियों को ये कहा जाता है, एक दिन एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर आएगा और उससे तुम्हारा विवाह होगा। ऐसा लगता है कि जीवन में विवाह ही सब कुछ है, उसे उस दिन ये पहनना है, ऐसा दिखना है। इसीलिए
लड़की भी महीनों पहले से इन सब चीजों की तैयारी और कल्पना करना शुरू कर देती है, पर वह विवाह की वास्तविकता से अनजान रहती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि उसे सुख का आभास तो था, पर दुख बांचना नहीं आता था। अर्थात बेटी अपने विवाह उपरांत आने वाली भावी जीवन की समस्याओं से अपरिचित, अपने विवाह के बाद के सुनहरे भविष्य की कल्पना के आभास अर्थात उस कल्पना को अनुभूत करने में मगन है। कवि कहते हैं कि वह काव्य की लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने में तो सक्षम थी, पर उसे समझने की बौद्धिकता अभी उसमें विकसित नहीं हुई थी। विवाह उसके लिए एक धुंधले प्रकाश की तरह था जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। आइए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रस्तुत कविता में भी माँ बेटी को यही हिदायत देते हुए कह रही है कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्न मत होना। अपने अनुभव से माँ जान चुकी है कि स्त्री की सुंदरता को महत्व देकर उसे बंधनों में बांधा जाता है। वो कहती है कि बेटी तुम अपने सारे काम ध्यान पूर्वक करना, आँख से रोटियाँ सेकते वक्त स्वयं को आँख से मुक्त रखना। प्रस्तुत कविता में माँ अपनी बेटी को समझाती हुई आगे कहती है कि चमत्कृत करने वाले वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन में प्रशंसा के शब्दों की तरह होते हैं, जो स्त्री जीवन को बंधनों में बांधते हैं। इसलिए तुम नए घर में जाकर स्वयं को खो मत देना, अर्थात स्वयं को कमजोर मत होने देना। यहाँ कविता में उपस्थित आग शब्द द्वारा कवि समाज में व्याप्त कुव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही माँ द्वारा बेटी को हिदायत भी देते हैं कि स्त्री होने के नाते तुम स्त्री के सभी गुणों को अपनाना, अर्थात तुम विनम्र स्नेहमयी निश्चल मर्यादित रहना, पर तुम्हें लोक व्यवहार से सावधान रहने की भी जरूरत है। इस कहानी को संक्षेप में समझने के लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।